नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है बच्चों, द हरप्पन सिविलाइजेशन। इससे पहले हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हरप्पन सिविलाइजेशन का। मतलब ये जो सिविलाइजेशन है ना, इसका हरप्पन नाम ही क्यों पड़ा, है ना। इसका रीजन तो होगा, इसका कोई ना कोई कारण होगा, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा होगा, हरप्पन सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन को हरप्पन ही क्यों कहा जाता है, इसका कोई और नाम क्यों नहीं पड़ा। तो देखो इसका रीजन क्या है, मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन फर्स्ट बिगेन इन 1921 CE एट हरप्पा इन द पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। That is how this civilization came to be known as Harappan civilization. It is also known as Indus civilization. देखो बच्चों क्या हुआ था ना कि सबसे पहला जो archaeological excavation, मतलब जो खुदाई थी, उत्खनन था, वो कहाँ पे शुरू हुआ था, मतलब सबसे पहला कहाँ पे बिगिन हुआ था, तो पंजाब में एक हरप्पा क्या है, जगह है, जो कि पंजाब में है, रावी नदी के कहाँ पे, रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के पास में ही एक जगह है जिसका नाम क्या है, हरप्पा, जहाँ पर ये जो आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन था, मतलब उत्खनन था, खुदाई थी, वो क्या हुई थी, शुरू हुई थी। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, इस सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ा बच्चों, हरप्पन सिविलाइजेशन नाम पड़ा। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस सिविलाइजेशन को इंदस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ये भी मत भूलिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी ही चाहिए। आगे देखिएगा, तो एग्जीक्यूशंस वर ऑल्सो कैरिड आउट एट मोहन जोदारो, अ प्लेस अबाउट 650 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ हरप्पा इन द इंदस वैली। देखो बच्चों, और एक और जगह एग्जीक्यूशन क्या हुआ, शुरू हुआ था कहाँ पर, मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो एक प्लेस था जहाँ पर ये खुदाई क्या हुई थी, शुरू हुई थी। और ये प्लेस ना हड़प्पा से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर था, साउथ में, ठीक है, साउथ में 650 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लेस था मोहनजोदारो, जहाँ पर एग्जीक्यूशन क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, मतलब उत्खनन वहाँ पे प्रारंभ हुआ था, ठीक है। देयर वॉज अ स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस बिटवीन द रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट द टू प्लेसेस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसको समझना, ये जो दोनों प्लेसेस है ना, मोहनजोदड़ो और कौन, हरप्पा, ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें पाई गई थी, जो भी आर्टिफैक्ट्स थे और जो भी स्ट्रक्चर्स थे, इन दोनों में ना एक अद्भुत क्या थी, सिमिलैरिटी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों क्या हो, सेम सेम हो, ठीक है, एक तरह से उनमें क्या था, समानता थी। सिमिलर रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट धोलावीरा, लोथाल, कालीबंगन, दायमाबाद एक्सेट्रा, ठीक है। और इसी तरह से, मतलब इसी तरह के रिमेन्स और भी जगह पाए गए, जैसे कि धोलावीरा वहाँ पे खुदाई की गई, तो ये सारी चीज़ें, ऐसे सिमिलर चीज़ें पाई गई, फिर लोथार एक प्लेस का नाम है, फिर कालीबंगन एक प्लेस का नाम है, और दायमाबाद एक प्लेस का नाम है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, हाँ, अच्छे से बस समझो और कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ ईजी है। चलो आगे देखो, तो आगे चलते हैं अभी। देखो बच्चों क्या दिया गया है यहाँ पे, कि जनरली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन ऑल द प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, दीज इंक्लूड टाउन प्लानिंग, रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ड्रेनेज सिस्टम, सील्स, पॉट्स एंड टॉयज एंड ब्यूरियल कस्टम्स। देखो बच्चों, ये जो क्या कहते हैं, ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है ना, जहाँ जहाँ पे भी ये हरप्पन सिविलाइजेशन है, वहाँ पर ये जो सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, फिर ड्रेनेज सिस्टम, सील्स, पॉट्स, टॉयज एंड ब्यूरियल कस्टम्स, ओके, तो इनमें क्या होता है ना, सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया ना, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन ऑल द प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, मतलब जहाँ जहाँ पे भी हरप्पन सिविलाइजेशन है, जहाँ जहाँ पे भी हड़प्पा संस्कृति है, वहाँ पर
सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है बच्चों, विशेषता, मतलब सेम विशेषताएं पाई गई है जहां जहां पे भी हरप्पन सिविलाइजेशन है उन सभी जगहों पे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई है। जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, विशेषताओं में क्या क्या इंक्लूड है, तो टाउन प्लानिंग, फिर रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ड्रेनेज सिस्टम, सील्स, पोर्ट्स एंड टॉयज एंड ब्यूरियल कस्टम्स। ओके, समझ में आया। अब एक एक के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग। ओके, अभी यहाँ पर हम क्या क्या देखने वाले हैं कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनके हाउसेस कैसे होते थे और उनके टाउन प्लानिंग कैसी थी। टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे टाउन होता है ना, तो वहाँ पे कैसे इधर घर होते उधर घर होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्या दिया गया है इसमें, देखो, द हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन हरप्पन सिविलाइजेशन वर मेनली बिल्ट विथ बैक्ड ब्रिक्स। देखो बच्चों, जो हाउसेज होते थे ना हरप्पन सिविलाइजेशन में, वो किसके बने हुए होते थे, तो बेक ब्रिक, मतलब क्या, जो बेक की हुई ईंटें होती थी ना उनकी बनी हुई, उनसे क्या होते थे जो घर थे वो बनाए जाते थे। इन सम प्लेसेस अनबेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन्स वर ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। और कुछ कुछ प्लेसेस पे ऐसा भी होता था कि अनबेक्ड ब्रिक्स यूज किए जाते थे। मतलब अनबेक्ड मतलब क्या होता है, कच्ची ईंटें, ठीक है, और बेक मतलब क्या, पक्की ईंटें। तो घर तो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, लेकिन कई कई प्लेस ऐसे होते थे जहाँ पर कच्ची ईंटों का भी उपयोग किया जाता था। द हाउसेज हैड रूम्स बिल्ड अराउंड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड। देखो बच्चों, क्या होता था ना कि द हाउसेज हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड, मतलब क्या, जैसे हाउसेज जो होते थे ना, जो आपका बीच का एरिया था उसको छोड़ दिया जाता था, वो क्या रहता था, कोर्ट यार्ड, मतलब आंगन, और उसके आजू बाजू में क्या होते थे, कमरे होते थे। इस तरह से उस टाइम पे जो घर थे वो बनाए जाते थे। द हाउसेज हैड वेल्स, अभी देखो जो घर थे उसमें क्या क्या रहते थे, तो वेल्स मतलब क्या, कुएं रहते थे, फिर बाथरूम थे एंड टॉयलेट्स थे। ओके, देयर वॉज एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम इन विच बेक्ड अर्थन कंड्यूट्स वर यूज्ड। द स्ट्रीट्स हैड कवर्ड ड्रेन्स बिल्ट विथ ब्रिक्स। दिस शोज ग्रेट कंसर्न रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ। अभी देखो बच्चों, इसको एकदम ध्यान से समझना। देखो, जो हरप्पन सिविलाइजेशन था ना, वो अगर आप समझो तो वो बहुत डेवलप हो चुका था, मतलब उस टाइम पे लोगों को बहुत ही दिमाग आ चुका था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देयर वॉज एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या होता है ना बच्चों, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या बनाई जाती है, नालियाँ बनाई जाती है। किस लिए नालियाँ बनाई जाती है, ताकि जो गंदा पानी है वो बह करके चला जाए, बराबर। तो उसी तरह से जो हरप्पन सिविलाइजेशन था ना, वहाँ पे भी इस तरह की नालियाँ बनाई जाती थी, ड्रेनेज सिस्टम एकदम प्रॉपर होता था जिससे जो गंदा पानी है वो निकल जाए। और तो और वो जो नालियाँ होती थी ना, वो कवर भी होती थी, क्योंकि लोग जानते थे कि अगर ऐसे नालियाँ खुली रही तो हमको क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है। मतलब उस टाइम पे लोग जो थे ना, वो स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेकर के बहुत ही जागरूक थे, बहुत ही अवेयर थे कि अगर नाली खुली रहेगी तब तो हमको कोई बीमारी से बचा नहीं सकता। सही बात है ना, नाली रहेगा तो उसमें मच्छर आएंगे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े आएंगे हमारे घर में आएंगे, हमको परेशान करेंगे, मतलब हमको बीमारी दे करके जाएंगे, है ना। तो उस टाइम के जो लोग थे, मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उनको पता था कि हमको अगर नालियाँ खुली रही तो हमको बीमारी हो सकती है, तो इसके प्रति वो क्या थे, बहुत ही अच्छे से अवेयर थे, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब हम यहाँ पे रोड की बात करेंगे। तो देखो, द स्ट्रीट्स वर ब्रॉड एंड लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न, हाउसेज वर बिल्ट इन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स क्रिएटेड बाई देम। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया कि द स्ट्रीट्स वर ब्रॉड, मतलब जो स्ट्रीट होते थे, जो सड़कें होती थी वो कैसे चौड़ी होती थी एंड ग्रिड पैटर्न में होती थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है ना बच्चों, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल आपका होता है ना, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सड़कें होती थी। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, इस तरह से ना, तो उस टाइम पे सड़कें भी होती थी। और जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स रहते थे, मतलब अभी समझो वहाँ पे रेक्टेंगल की तरह क्या है, सड़क बनाई गई है, तो एक ब्लॉक तो बचेगा ना, ब्लॉक मतलब जगह तो बचेगी ना, तो वहाँ पे क्या बना दिए जाते थे, घर बना दिए जाते थे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को।
कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. द टाउन्स वर डिवाइडेड इंटू टू और मोर सेक्शंस एंड ईच सेक्शन हैड सेपरेट फोर्टिफिकेशन. और देखो बच्चों, जो टाउन्स थे ना वो दो या फिर दो से ज़्यादा सेक्शंस में डिवाइड कर दिए गए थे, और हर एक सेक्शन के लिए क्या था बच्चों, तो सेपरेट फोर्टिफिकेशन था. ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को. उसके बाद अगला क्या है बच्चों, तो ये तो हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग यहाँ पे फिनिश होता है. अब हम किसकी बात करेंगे, तो सील्स एंड पॉट्स की. किसकी? सील्स एंड पॉट्स की. तो सील्स मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया सील्स. सील्स मतलब क्या, इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है ना सील्स. और पॉट्स में आप लोग को दिखाना चाहूँगी पॉट्स. ओके, ये देखो यहाँ पे अर्थन पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हो गए पॉट्स. ओके, चलो अभी इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है. तो द सील्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वर मेनली स्क्वायर शेप एंड मेड फ्रॉम अ स्टोन कॉल्ड स्टीगेटाइट. देखो बच्चों, जो हरप्पन सिविलाइजेशन था वहाँ पे जो सील्स होते थे वो कैसे होते थे, स्क्वायर शेप के होते. स्क्वायर शेप मतलब क्या होता है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल के जैसे होते थे. ठीक है, और ये किसके बने हुए होते थे, तो ये स्टोन के बने हुए होते थे. एक पत्थर का नाम था, एक पत्थर था जिसका नाम क्या था बच्चों, स्टीएटाइट. तो इसके बनाए जाते थे. दिस सील्स बेयर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स. और ये जो सील्स होते थे ना, इनमें एनिमल्स के पिक्चर्स होते थे. जैसे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी इस सील में, देखो ना, सील मतलब आप लोग को पता होगा. देखो हिंदी में इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, मुद्राएं. ठीक है, मुद्रा बोल सकती हूँ. तो ये देखो यहाँ पे एनिमल्स के कैसे पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना इन सील्स में, तो बस यही दिया गया है. दे इंक्लूड, अभी उन पिक्चर्स में क्या क्या होते थे, तो रियल एनिमल्स, रियल एनिमल्स होते थे. जैसे कि बुल्स, बुल्स होता है ना, ये कोई कल्पना की बात नहीं है, सचमुच का बैल होता है. फिर बफेलोज, ऑक्शन, एलिफेंट्स, फिर राइनो, क्या है ये, रिनोज. ओके, हाइनास भी बोलते हैं इसको, हाइनास, या फिर इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, आप ज़रा देख लेना. ठीक है, अगर मैं गलती करूँ तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना. इसको शायद से ना हाइना बोलते हैं या फिर हीनोज बोलते होंगे आई थिंक, प्लीज़ देख लेना थोड़ा सा. ठीक है, तो टाइगर्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है बच्चों, तो ये सभी रियल एनिमल्स हैं. राइट, एंड ऑल्सो ऑफ इमेजिनरी वंस लाइक द यूनिकॉर्न. और इमेजिनरी क्या होते थे, इमेजिनरी एनिमल्स के भी पिक्चर्स उन मुद्राओं, उन सील्स के ऊपर लगे हुए होते थे. या तो रियल एनिमल्स के रहेंगे या फिर कौन, जो इमेजिनरी, जैसे हम अपने मन का ही एक सींग वाला कोई जानवर बना दिया, तो एक सींग का जानवर होता है क्या, नहीं होता ना. तो बस वो लोग अपने मन से कुछ भी, ठीक है, उनके मन में जो विचार, जैसा एनिमल आया वो लोगों ने उस सील्स के ऊपर बना दिया. ह्यूमन फिंगर्स आर ऑल्सो सीन, दिस सील्स वर यूज एज स्टम्स स्टैम्प्स. और ह्यूमन फिगर्स भी रहते थे यहाँ पे, मैंने क्या बोला, ह्यूमन फिंगर्स बोला ना. ओके, आई एम सो सॉरी, क्या यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स. ठीक है, जैसे एनिमल्स के फिगर्स होते थे ना उन सिक्कों पर, उन सील्स पर, वैसे ही ह्यूमन्स के भी फिगर्स होते थे उन सील्स के ऊपर. ओके, और इनको स्टैम्प के रूप में यूज़ किया जाता था. क्लियर है आप लोग को इतना? तो ये तो बात हमने की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, किसकी बात की, सील्स की ही बात की. अब यहाँ पे पॉट्स की बात करेंगे. तो अर्थन पॉट्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड शेप्स हैव बीन फाउंड एट द एग्जीक्यूशन साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. देखो बच्चों, हरप्पन सिविलाइजेशन के जो पॉट्स थे वो भी पाए गए हैं. जब खुदाई की गई, जब उत्खनन किया गया है, तो कई सारे पॉट्स भी पाए गए हैं. देयर आर रेड टेराकोटा पॉट्स with patterns and designs in black color. The patterns include fish scales, interlocking circles, people leaves, etc. देखो बच्चों, और इसमें क्या 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 include है इन pots में, तो देखो एक pot है terracotta pot. ठीक है, जिसके ऊपर pattern कैसा है, जिसका pattern कैसा है और design कैसी है, तो वो black color की design है. एंड अभी पैटर्न में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगी, नीचे नीचे देखो बच्चों, देखो नीचे देखो. ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये देखो कैसे इस पर डिजाइन बनाई गई है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ब्लैक कलर से, है ना, दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से देखो कैसे करके डिजाइन बनाई गई. मतलब हम लोग
इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो उनको कला भी बहुत ही अच्छे तरीके से आती थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। फिर द हरप्पन पीपल ब्यूरीड देयर डेड, दे यूज टू ब्यूरी अर्थन पॉट्स विथ द बॉडीज। अभी देखो बच्चों, इसमें क्या दिया गया है ना, जो हरप्पन लोग थे ना, अगर कोई इंसान मर जाता था ठीक है, तो उसको दफनाते टाइम पे क्या करते थे, मिट्टी के बर्तनों को भी उनके साथ में दफनाया करते थे। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि खुदाई की गई है ना, तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आई हैं, सब कुछ समझ में धीरे धीरे करके उनकी रहन सहन, उनकी संस्कृति, ये सारी चीज़ें सभी को समझ में आ रही हैं, तो यहाँ पर वही सब कुछ दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पर अर्थन पॉट्स में कैसे डिज़ाइन बनाए गए, देखो यहाँ पर भी, अरे कहाँ गया ये देखो, ये और इसमें देखना। ठीक है, तो ये तो हो गया किसकी बात, अर्थन पॉट्स की। अब हम किसकी बात करेंगे, देखो हमने क्या क्या सीख लिया है, हमने यहाँ पर हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग देखा है ना बहुत ही अच्छे से, फिर सील्स एंड सील्स देखे और पॉट्स भी देखे, एंड अब हम क्या सीखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, बाथ से आपको समझ में आना चाहिए नहाने का कुछ तो होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि अ स्पेशियस बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो। द टैंक इन द ग्रेट बाथ वॉज नियरली 2.5 meters डीप, इट वॉज 12 meters लॉन्ग एंड 7 meters वाइड। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है ना, वहाँ पर एक ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ मतलब बहुत ही बड़ा स्नानागार है, स्नान गृह जहाँ पर लोग नहाते थे, ठीक है, तो वो मिला है। और इसका जो टैंक है ना, वो लगभग 2.5 मतलब 2.5 meters डीप, इट मीन्स गहरा है, और 12 meters क्या है, लॉन्ग है, एंड 7 meters क्या है बच्चों, वाइड है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 12 meters, चौड़ाई कितनी है 7 meters, गहरा कितना है 2.5 meters। ओके, इट वॉज लाइंड विथ बैग ब्रिक्स टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर। अब देखो बच्चों इसको समझना, देखो उस टाइम के लोग कितने होशियार थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, जो वो कुंड बनाया गया था, कुंड मतलब जो वो इतना गहरा था ना, उसके नीचे वो लोगों ने क्या लगाया था, ईंट लगा दी थी, क्यों, ताकि जो पानी है ना वो नीचे ना जा सके, क्योंकि अगर मिट्टी है और उसके मिट्टी का समझो एक गड्ढा हमने मिट्टी में खोद दिया, अब उसमें पानी डालो तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे करके मिट्टी पूरी सोख लेगी, है ना। तो वो लोग जानते थे कि अगर इसमें पानी भरेंगे, अगर मिट्टी रहेगी तो पानी भरा तो मिट्टी क्या करेगी, उस पानी को सोख लेगी, है ना। तो वो लोगों ने क्या किया था, नीचे ना ईंट लगा दी थी ताकि जो पानी है ना वो क्या हो, खत्म, जो जमीन है उसको सोखे ना। ठीक है, देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द टैंक। और देखो बच्चों, उस टैंक में जाने के लिए ना स्टेप्स थे, मतलब सीढ़ी भी लगाई गई थी, जैसे ऊपर से किसी को नीचे आना है तो वो सीढ़ी सीढ़ी से चढ़ करके आ सकता था। देयर वॉज ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर ड्रेनिंग क्लीनिंग एंड रीफिलिंग द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कौन कौन सा सिस्टम था बच्चों यहाँ पे, तो ड्रेनिंग का था, मतलब पानी आराम से निकाला जा सके, क्लीनिंग एंड रीफिलिंग मतलब वो जो टैंक है ना उसका पानी बदलने की भी सुविधा थी, कि अभी पानी समझिए नहा नहा के गंदा हो गया तो उसको निकाला जाए और फिर नया पानी भरा जाए। तो इस तरह से ये सारी सुविधाएं उस ग्रेट बाथ में थी, जैसे यहाँ पर आप इस चित्र में आप देख पाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे किस तरह से ये टैंक है, इस पे सीढ़ी है, इसमें इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इतना गहरा है ना। तो ये है जो पाया गया है कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। आगे देखते हैं, लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन। अब जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनका लाइफ कैसा होता था वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो बच्चों क्या दिया गया है इसमें, कि द हरप्पन पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। जो हरप्पन पीपल थे, हरप्पन संस्कृति के जो लोग थे, वो क्या करते थे, खेती करते थे। अभी ये कैसे पता चला, तो द एग्जीक्यूशन एट कालीबंगन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ प्लाउड फील्ड। मतलब कालीबंगन में जब खुदाई की गई थी, उत्खनन हुआ था ना, तो वहाँ से कुछ प्रमाण मिले हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि उस टाइम के लोग क्या करते थे, खेती किया करते थे। ठीक है, खेत जोतने का वहाँ पे प्रमाण मिला हुआ है। द पीपल देयर ग्रीव डिफरेंट क्रॉप्स मेनली वेट एंड बाले। मतलब जो लोग थे ना वो
क्या करते थे, कौन कौन सी फसल उगाते थे बच्चों? तो मेनली मतलब मुख्य मुख्य रूप से दो फसलें हैं, वेट और बार्ले का, ठीक है, मतलब गेहूं और जौ का। इन राजस्थान बार्ले वॉज अ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, वाइल इन गुजरात इट वॉज रागी, पीज, सीसम एंड लेंटिल्स वर ऑल्सो कल्टिवेटेड। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, अभी वो तो मुख्य रूप से थी वेट और बार्ले, लेकिन इनके अलावा राजस्थान में क्या उगाया जाता है, तो बार्ले, और गुजरात में रागी, ठीक है, ठीक है, गुजरात में क्या था, रागी, फिर पीस, शीशम एंड लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें भी उस टाइम के लोग क्या करते थे, इनकी भी खेती क्या करते थे। द हरप्पन पीपल वर ऑल्सो फेमिलियर विथ कॉटन। अब जो हरप्पन पीपल थे वो कॉटन कॉटन को भी जानते थे, ठीक है, उसके साथ भी फेमिलियर थे। फेमिलियर मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है उनके लाइफ के बारे में, कि वो लोग खेती भी क्या करते थे, और मुख्य रूप से उनकी फसलें कौन कौन सी थी, तो वेट और बार्ले थे, इसके अलावा सीसम, लेंटिल्स, मतलब मसूर होता है, पीज, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इनकी भी खेती ये लोग किया करते थे, ठीक है। द स्टैचूज, द पिक्चर्स ऑन द सील्स एंड द रिमेन्स ऑफ क्लॉथ फाउंड इन द एग्जीक्यूशन इंडिकेट द हरप्पन पीपल यूज टू वेव क्लॉथ। द ड्रेस ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन कंसिस्टेंस ऑफ न्यू नी लेंथ क्लॉथ एंड एन अपर गारमेंट। देखो बच्चों, कुछ स्टैचूज भी मिले हुए हैं, जिसकी हेल्प से हमको ना हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में पता चलता है, कि वो जो लोग थे ना, वो क्या जानते थे, कपड़ों के ऊपर जैसे डिज़ाइन बनाना बनाया जाता है ना, तो वो लोग भी जानते थे। जैसे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी इस पिक्चर में, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ये हरप्पन सिविलाइजेशन का है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये जो आदमी है, देखो इसके मुख को कितने अच्छे से बनाया गया है, इसकी दाढ़ी भी है, सब कुछ है, देखो कैसे इसकी आंखें बनाई गई हैं, और नीचे थोड़ा आओगे तो देखो इसने कैसे शॉल ओढ़ा हुआ है, और शॉल के ऊपर कैसे डिज़ाइन है। मतलब इन सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि उस टाइम के लोग, मतलब उनको कला भी कितने अच्छे तरीके से आती थी, है ना, और वो कैसे अपने कपड़े पहना करते थे, इससे हमको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो आइडिया लग रहा है कि इस तरह से वो लोग शॉल को ओढ़ा करते थे, ठीक है। और उनके ड्रेस कैसे होते थे, जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्या पहनते थे, तो घुटने तक का उनका एक क्लॉथ होता था, घुटने तक का, ठीक है, उससे घुटना होता है ना, घुटने तक का लंबा क्लॉथ होता था, और ऊपर क्या पहनते थे, कोई अपर गारमेंट होता था, उसको ऊपर पहनते थे, और नीचे घुटने तक का, और बोथ मेन एंड वीमेन दोनों के वही कपड़े थे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो ये तो हमने क्या देख लिया बच्चों, तो लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन, अभी और भी है। अच्छा अभी देखो बच्चों, हरप्पन सिविलाइजेशन के यहाँ पे ऑर्नामेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका हार है, ये आपके ब्रेसलेट्स हैं, फिर करधनी भी है, अंगूठी भी है ना, मतलब वो टाइम के लोग गहने भी पहना करते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे, मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड इन एग्जीक्यूशन, कई सारे ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं एग्जीक्यूशन में, दे आर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, प्रीसियस स्टोन्स, एज ऑल्सो सेस, कावरी, सीड्स एक्सेट्रा। देखो बच्चों, ये जो सारे गहने पाए गए हैं ना, ये सभी किसके किसके बने हुए हैं बच्चों, तो गोल्ड के, कॉपर के, प्रीसियस स्टोन्स, महंगे महंगे स्टोन्स के, और सेल्स के भी बने हुए हैं, कई तो कावरी कौरीज के बने हुए, कौरीज मतलब आपको पता है ना, कौड़ी होती है, कौड़ी वाइट वाइट कलर की, वो, फिर सीड्स से भी बने हुए है। मेन एंड वीमेन बोथ यूज्ड मल्टी स्ट्रेन नेकलेसेस, रिंग्स, आर्मलेट्स एंड वेस्ट बैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो मेन एंड वुमेन दोनों क्या करते थे, मल्टी स्ट्रेन नेकलेस। मल्टी स्ट्रेन का मतलब क्या होता है ना, जैसे मैं आप लोग को ये नेकलेस दिखाना चाहूँगी, मतलब जिसमें ना बहुत सारी परत होती है, मल्टी स्ट्रेन का मतलब क्या, बहुत सारी परत जिसमें होती है, जैसे एक के बाद एक, के एक के बाद एक, जिस तरह से यहाँ पर ये जो हार दिया गया ना, तो इसी तरह से वो लोग हार क्या करते थे, नेकलेस पहना करते थे, उसमें रिंग भी पहनते थे, आर्मलेट्स मतलब बाजूबंद भी होते थे, और वेस्ट बैंड्स मतलब कमर पे बांधने वाली करधनी भी होती थी। विमेन वॉर बैंगल्स राइट अप टू देयर अपर आर्म, और जो विमेन्स होती थी वो क्या करती थी, बैंगल्स पहनती थी पूरा अपने हाथ भर भर के, ठीक है, पूरा अपनी बाह तक वो क्या करती थी, बैंगल्स को पहनती थी। अ स्टैचू फाउंड एट हरप्पन साइट प्रेजेंटेड एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ देयर आर्ट।
It shows the man's facial features very clearly. A clock with a beautiful trefoil patterns in draped across his shoulder. देखो बच्चों, अभी अभी जिस फिगर के बारे में मैंने आप लोग को बताया था ना, वही दिया है यहाँ पे, है ना। देखो ये जो स्टैचू है, इसके जो मुख के भाव है वो कितने अच्छे से प्रकट हो रहे हैं, है ना। हमको समझ में आता है कि जो चित्रकार है वो हमको क्या समझाना चाहता है। और इतने सॉल भी ओढ़ी हुई है, उसके ऊपर डिज़ाइन भी है ना, तो इस तरह से हमको ये चित्र कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ये चित्र नहीं है बल्कि स्टैचू है, ठीक है। ये बनाया गया है जैसे मूर्ति होती है ना, उस तरह से ये है, ठीक है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो ये हमने क्या देखा, लाइफ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, ट्रेड, ठीक है। ट्रेड मतलब क्या होता है, तो बिजनेस करना, व्यापार करना, वो होता है ट्रेड। जैसे हमारे, जैसे हमारा सामान दूसरे देश में जाएगा, वहाँ से उनका सामान हमारे देश में आएगा, तो यही क्या है बच्चों, ट्रेड है। तो उस टाइम के लोग ट्रेड भी क्या करते थे, बिजनेसेस भी होते थे। अभी देखो कैसे होता था, क्या होता था, वो जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो क्या दिया गया इसमें, देखो, द हरप्पन पीपल कैरिड ऑन ट्रेड विद इन इंडिया एज वेल एज विद कंट्रीज आउटसाइड। मतलब जो हरप्पन लोग थे ना, वो इंडिया में भी ट्रेड करते थे एज वेल एज विद कंट्रीज आउटसाइड। मतलब जो बाहर की कंट्रीज होती थी उनके साथ भी वो लोग क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। कौन? हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग। द इंडस वैली वॉज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन। ओके, जो इंडस वैल्यू है, वैली है मतलब सिंधु घाटी, ठीक है। जो इंडस वैली है वो किसके लिए जानी जाती थी, तो उसकी जो हाई क्वालिटी की कॉटन है जहाँ पर, वहाँ पर होती है ना, तो वो उसके लिए जानी जाती थी। दिस कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन्स लाइक वेस्ट एशिया, साउथर्न यूरोप एंड इजिप्ट। और ये जो कॉटन था ना, वो दूसरे रीजन्स में क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, भेजा जाता था, जैसे कि वेस्ट एशिया हो गया, फिर साउथर्न यूरोप हो गया और इजिप्ट। कॉटन क्लॉथ टू वॉज एक्सपोर्टेड, और जो कॉटन क्लॉथ से वो भी क्या किए जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। द ट्रेडर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड मसलिन क्लॉथ टू इजिप्ट। देखो बच्चों, जो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो ट्रेडर थे वो क्या करते थे, उन्होंने ना वो क्या करते थे, इजिप्ट को मसलिन एक क्लॉथ होता था जो दिया करते थे। सिल्वर, जिंक, गेम स्टोन्स, रबीज, देवदार वुड वर सम ऑफ द आइटम्स दैट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम काश्मीर, साउथ इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। ओके, देखो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो ना अलग अलग जगहों से मंगाई जाती थी, जैसे कि सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, जेम स्टोन्स हो गए, उसके बाद क्या हो गया, रबीज हो गया, देवदार हो गया, देवदार का वुड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आइटम्स है जो वहाँ से इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है। तो इस तरह से वो इम्पोर्ट किए जाते थे अलग अलग जगह से, जैसे कि काश्मीर हो गया, साउथ इंडिया हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और बलूचिस्तान। ओके, आगे देखना। तो ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बोथ बाई लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। मतलब जो ट्रेड होते थे ना, वो लैंड रूट से भी होते थे, मतलब सड़क के द्वारा भी होते थे, और जो सी रूट्स होते थे, सी रूट्स मतलब क्या, समुद्री रास्ता, ठीक है, उससे भी ट्रेड्स होते थे। सम ऑफ द एग्जीक्यूटेड सेल्स बेयर पिक्चर्स ऑफ शिप्स, और कुछ सेल्स तो ऐसे हैं जिन पे ना किसके क्या बने हुए होते थे, शिप्स। जैसे अभी ऊपर हमने एनिमल्स का देखा था कि ह्यूमन बने होते थे सिल्स पे, उसी तरह से कई सिल्स तो ऐसे पाए गए हैं जिनके ऊपर शिप्स बने हुए होते थे। अ ह्यूज डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोथाल। देखो बच्चों, लोथाल में ना एक बहुत ही बड़ा डॉक यार्ड को क्या किया गया है, डिस्कवर्ड किया गया है, ठीक है, जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे एन आर्टिस्ट विजुअलाइजेशन। ये जो डॉकयार्ड है ना, ये कोई असली का नहीं है, ये जो भी चीज़ें पाई गई हैं उनके आधार पर ये बनाया गया है। डॉकयार्ड मतलब क्या, जो रास्ता होता है जिसके थ्रू ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब यहाँ पे ना आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे ट्रेड उस टाइम के लोग किया करते थे, ठीक है। आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। एंड द ट्रेड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरिड ऑन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ द अरेबियन सी। मतलब अरेबियन सी का जो कोस्ट लाइन है उसके थ्रू वो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर करके ट्रेड करते थे हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, ट्रेड की। अब लास्ट हमको क्या बात करना है, तो रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। मतलब जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो कैसे करके धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हुआ,
ठीक है, उसको हम देखेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों ये डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाना, वो कैसे खत्म हुआ, तो कैसे खत्म हुआ, तो फ्रीक्वेंट फ्लड्स, फ्लड्स आप लोग को पता है आंधी तूफान आते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, बाढ़ आ जाती है, इन्वेजन्स बाय फॉरेन ट्राइब्स, और जो दूसरे फॉरेन लोग थे उनके द्वारा इन्वेजन होना, मतलब लूटपाट हो जाना, फिर डिक्लाइन इन ट्रेड और ट्रेड में घाटा होना, वर सम ऑफ द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, और ये सारे कुछ रीजंस है हरप्पन सिविलाइजेशन को, कौन कौन से, तो फ्रीक्वेंट फ्लड्स, इन्वेजन्स बाय फॉरेन ट्राइब्स, डिक्लाइन इन ट्रेड. ओके, सम रीजंस बिकेम एरिड ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ मॉनसून, ड्राइंग अप ऑफ रिवर बेसिन्स, अर्थक्वेक, चेंजेस इन सी लेवल एक्सेट्रा, पीपल माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ सिटीज. देखो बच्चों, और भी कुछ कारण है, है ना, जिसके कारण ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ये डिक्लाइन हो गया, जैसे कि वीकनिंग ऑफ मॉनसून मतलब बारिश का न होना टाइम पे, फिर ड्राइंग अप द रिवर बेसिन, जो नदी है, नदी की जो भी घाटियां हैं वो सभी सूख जाना, अर्थक्वेक आना और सी लेवल में चेंजेस होना, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के कारण भी क्या होते थे, जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करने लगे, माइग्रेशन करने लगे, और इस तरह से जो आपका हरप्पन सिविलाइजेशन है इसका अंत हो गया. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज अ प्रोस्पेरियस एंड फ्लोरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब इसी ने क्या करी है, जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन है ना, इसकी नींव रखी है, किसने, हरप्पन सिविलाइजेशन ने. ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो लेसन था ना हरप्पन सिविलाइजेशन, ये यहाँ पे फिनिश होता है. ठीक है बच्चों, तो मेरे पढ़ाने के बाद आप एक बार फिर से पढ़ना, कोई भी आपको वर्ड क्या लगता है हार्ड लगता है तो उसका मीनिंग आप डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करो, फिर भी ना मिले, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करो. ठीक है ना, देखो आप लोग को भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसी नहीं कि एक वर्ड का मीनिंग नहीं दिखा तो आप अभी कमेंट करने लगे, फिर अभी एक एक वर्ड का मैं आंसर देते कितना बैठूंगी, है ना, आप लोग भी थोड़ा मेरे बारे में सोचा करो यार, है ना, तो इसलिए आप लोग क्या करो, कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आता तो आप डिक्शनरी में ढूंढिए या फिर मोबाइल में, गूगल तो है ही, आप उस पर ढूंढ सकते हो, अगर फिर भी नहीं आता समझ में फिर आप कमेंट करो. ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है ना, तो इसका क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है बच्चों, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हो. ओके, और क्या बोलूँ, बस अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है ना. चलिए बच्चों, अभी अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए लेसन के साथ.